हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे, अच्छे होंगे। मेरा नाम है सुधीर। आज हम पढ़ेंगे शीट नंबर 20 और इसमें हमें करना है यूजिंग पार्टीशन टू मल्टीप्लाई। तो यहाँ पार्टीशन करके हमें मल्टीप्लाई करना है। कैसे करेंगे, आइए सीखते हैं। तो मेरा नाम है सुधीर, मैं लिख देता हूँ, आप लोग मेरा नाम भूल गए होंगे। चलिए देखिए चलिए ठीक है। देखिए 45 जैसे लिखा हुआ है ना, 45 में क्या लिख सकते, 40 × 7 और ये जो 5 है, 5 × 7। तो यहाँ पे कोई दिक्कत की बात नहीं है, हम इसको आराम से कर लेंगे। कैसे करेंगे, देखिए 45 था तो 40 को यहाँ पे मैंने क्या लिखा पहले, देखिए ध्यान से देखिए, 40 को हम क्या लिख सकते हैं, 40 + 5। और एक बार हम 7 की मल्टीप्लाई 40 के साथ करेंगे और एक बार 7 की मल्टीप्लाई हम 5 के साथ करेंगे। चलिए अब दोनों को ऐड कर लेंगे। तो देखिए इन दोनों को ऐड करने पर कितना आएगा, देखिए 280 और यहाँ पर 35। तो ऐड कर लेंगे 5 8 3 11 के 1, यहाँ पर 1 2 1 3, 315। इसका आंसर कितना आएगा, 315। तो हम लिखेंगे 315। यहाँ पे देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, 70 + 9। चलिए थोड़ा सा छोटा लिखता हूँ क्योंकि मल्टीप्लाई का भी साइन लिखना है। देखिए 70 लिखा ना, तो क्या लिखते हैं, 70 और 9 कितने की मल्टीप्लाई, 2 की। तो एक बार यहाँ पे 2 की मल्टीप्लाई करिए, फिर यहाँ पे 2 की मल्टीप्लाई, तो 7 × 2 कितना होगा, 14 लिखा और एक जीरो है तो 0 लगा देंगे। 9 × 2 = 18। अब दोनों को ऐड कर लीजिए, 140 और 18 को, तो कितना आएगा, 8 4 और 1 5 और ये 1, तो कितना आएगा, 158। अच्छा तीसरा क्वेश्चन था, सेकंड नंबर करना था। चलिए ठीक है, 30 देखिए, 38 लिखा था तो उसको हम क्या लिखे, 30 + 8 लिखे, फिर 3 की मल्टीप्लाई दोनों में करें, 3 की यहाँ 3 की यहाँ, तो 33 = 90 और 8 3 = कितना होगा, 24 में ऐड करोगे तो 4 आएगा, 9 × 11। यहाँ पे देखिए 26 लिखा है तो उसको क्या लिख सकते हैं, 20 और यहाँ भी 20, सॉरी 20 नहीं यार, देखिए क्या गड़बड़ हो गया, देखिए 20 और यहाँ पे 6, तो क्या बनेगा, 26 × 8 × 8, तो 8 × 2 = कितना होता है, 16, 1 0 1 0 लगा देंगे, 8 6 = 48। अब दोनों को ऐड कर लीजिए, 160 में 48 ऐड कर लीजिए, 8 8 6 4 10 का 0 1 कैरी 1 1 2 2 0 8, तो कितना आएगा, 208। अगला है, अब यहाँ पे देखिए इसको कैसे किया है इन्होंने, देखिए इन्होंने डायरेक्ट लिख दिया है कैसे, यहाँ पे देखिए इन्होंने लिखा 70 × 6, तो 70 × 6 कितना आएगा, 140 और 3 × 6, तो इन्होंने डायरेक्ट यहाँ पे लिख दिया है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, हम कर लेंगे। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो 8 और 2 और 1 3 और ये जाएगा 4, तो कितना आएगा, 438। अब यहाँ पे हम कैसे इस क्वेश्चन को करेंगे, देखिए इन्होंने एक स्टेप यहाँ से गायब कर दिया है, देखिए तो यहाँ पे लिख सकते हैं 50 × 5 और 6 × 5, तो 6 5 5 = 25, 250 6 5 = 30, तो 250 में 30 का कितना आ जाएगा, 280, तो जाएगा 280। सिक्स नंबर देखिए, देखिए यहाँ पे कैसे इन्होंने किया है, 40 × 4 + 7 × 4, तो 4 × 16 160 आ गया, ठीक है, और 7 × 4 = 28, तो यहाँ 28 लिखोगे, 160 में आप ऐड करोगे कितना, 28, तो यहाँ पे कितना आएगा, 8 6 2 8 और 1 188। सेवन नंबर आप देखिए, सेवन नंबर आप इन्होंने कैसे किया, 30 × क्या लिखेंगे पहले, 9 + 5 × 9, तो 9 5 = 45 आ गया, 3 3 = 9 3 = 27, 27 और 1 0 था, 1 0 लगाएंगे। अब 270 को 45 से ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 5 7 4 11 का 1 हासिल 1 2 1 3, 315। तो इसका आंसर कितना आएगा, 315। चलिए अब यहाँ पे देखिए 29 × 7, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 20 + 7 27 हो गया, × 7 का मल्टीप्लाई, तो 7 × 2 = 14 14 140 लिखोगे और 7 7 = 49, यहाँ पे लिखोगे। अब 140 में कितना ऐड करना है आपको, 49, तो लिखोगे 9 4 4 8, यहाँ पे 1, तो कितना आएगा, 189, तो 8 नंबर 189। अच्छा देखिए सॉरी, यहाँ पे देखिए गलती हो गया थोड़ा सा, ये देखिए देखिए यहाँ पे लिखा 20 + 7 27 हो गया, फिर यहाँ पे हमें
27 कहाँ है, 29 लिखा है यार, क्या कर रहा हूँ मैं, देखो 20 प्लस ये 9 है तो 9 लिखोगे, 7 की मल्टीप्लाई यहाँ पे, 7 की मल्टीप्लाई यहाँ पे, 27 जब 140 763, तो इन दोनों को ऐड करोगे 3 6 4 10, 1 carry 1 1 2 2 0 3 यहाँ पे आएगा। अब यहाँ पे देखिए 9 नंबर तो हमने कर लिया, 8 नंबर कहेंगे, 8 नंबर को हम क्या लिख सकते हैं, 80 प्लस 7 मल्टीप्लाई किसकी करनी, 8 की, तो यहाँ पे 8 की, यहाँ पे 8 की, 8 8 जा 64 640, 7 8 जा 56 56 लिखो, दोनों को ऐड कर लो, 640 और 56 को, तो 6 549 और 6 696, इलेवन नंबर पे आइए, देखिए 25 में 25 इंटू 6 है ना, तो 25 को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए 25 को लिख सकते हैं 25 प्लस 5, 6 की मल्टीप्लाई यहाँ पे, 6 की मल्टीप्लाई यहाँ पे, तो 25 6 का कितना होता है 150 और 5 6 का 30, तो कितना आएगा 180। अब देखिए यहाँ पे 68 है, 68 को क्या लेंगे, 60 प्लस 8, 9 की मल्टीप्लाई करनी है तो यहाँ कर लीजिए, यहाँ कर लीजिए, तो 6 9 54, एक ज़ीरो है, एक ज़ीरो लगा लीजिए, 8 9 72 72 लिख दीजिए, 540 में किसको ऐड कर दीजिए, 72 को, तो 2 आएगा, 7 4 11 के 1 5 1 6 612। चलिए अब यहाँ के क्वेश्चन पे आते हैं, देखिए अब हम डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, अब इतना लंबा प्रोसेस हम पार्टीशन में नहीं करेंगे, पार्टीशन तो आपने सीख लिया, अब फटाक से करेंगे, 2 6 12 का 2 1 carry, 2 8 8 2 16, 16 और 1 17, तो आप लिखेंगे 17, ठीक है, जैसे अभी यहाँ पे पार्टीशन वाला है, बॉक्स दे नहीं रखा, तो यहाँ पे फटाक से कर लेंगे, 7 4 28, कितना कैरी है, 2 यहीं पे लिख लीजिए, 7 7 49, 49 में 2 ऐड करोगे कितना आएगा, 51, 518, 6 9 54, 54 का 4 लिखोगे 5 carry, उसके बाद 6 4 24, 24 में 5 ऐड करो कितना आएगा, 29, खत्म हो गया, 8 5 40, 40 का 0 यहाँ लिखोगे 4 carry, फिर 8 का मल्टीप्लाई थे, 8 3 24, 24 में 4 रखे 280, अगला 3 7 21 का 1 2 carry और 3 5 15, 15 और 2 कितना होता है 17, 9 4 36, 3 carry, 9 9 81, 81 में 3 ऐड करोगे तो कितना आएगा 84, 7 8 56 का 6, 5 carry और 7 6 54, 54 में 5 ऐड करो तो 59 आएगा, 9 5 45, 4 carry, 5 4 20, 20 में 4 ऐड करो तो क्या आएगा 24, यहाँ पे 6 6 36, यहाँ पे 3 carry, 6 8 48, 48 में 3 ऐड करोगे तो कितना आएगा 51, 9 4 कितना होता है 36, यहाँ पे 3 carry, 3 4 4 3 12, 12 में 3 ऐड करोगे तो कितना आएगा 15, 4 8 32 का 3 carry और 8 9 कितना होता है 72, 72 में 3 ऐड करोगे तो आएगा 75, सेवन नाइन जो कितना होता है 63, 6 carry, 9 2 18, 18 में 6 ऐड करोगे तो आएगा 24, 243 आएगा। तो दोस्त यहाँ पे ये वीडियो ख़त्म होता है, वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा, और ये मेरा QR कोड है, अगर आप कुछ पे करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। फाइनली मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।